सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारा पीछे का पल्लर है, यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच के, गले की लंबाई भी 3 इंच के, और इसमें हम यहाँ से गोलाई देंगे। हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। इसको हमें अंदर की साइड दबा के पाइपिंग बनाना है। पहले हम यहाँ से सिलाई लगाना, अंदर की पट्टी दबाते हुए हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। ये पाइपिंग हमारी गले की बन गई है। अब हम इसको डाउन करेंगे बराबर करके। गले की लंबाई रखनी है 8 इंच या 7 इंच, उसी के बराबर हम बुकरम ले लेंगे। तो हमने बुकरम लिए, इसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। अब हम इसको डबल करेंगे। अब हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक निशान हमें 2 इंच पे लगाएंगे। अभी हमारा निशान है, इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना है। अब हम यहाँ से बुकरम रखेंगे आधा इंच की। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम डिजाइन की कटिंग करेंगे। हमें 2 इंच पे ही कैंची इस तरीके से लगानी है, 2 इंच पे इधर की साइड। अब हम इसमें आधा इंच का गैप रखेंगे। अब इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। डिजाइन को हम अच्छी तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम एक सूट लगा देंगे। दोनों साइड हमने आधा इंच का गैप रखा है। इसको कपड़े को दबा के हम सिलाई लगाएंगे। अभी हमारा बीच का यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अभी डिजाइन को हम इसके ऊपर रखेंगे। पहले हम इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब ये बीच का कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। हम इसको अंदर के साथ दबा के सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे।
अब एक कपड़े में हम ये धागे को दबा देंगे। यहाँ से हम ये पाइपिंग को अंदर की साइड दबा के हम यहाँ से पाइपिंग लगा रहे हैं। अब एक पाइपिंग को हम अंदर की साइड दबा देंगे। अब इसके लिए हमने बटन लिए और एक एक इंच के टुकड़े लिए। यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। बटन को हमें कपड़े में इस तरीके से दबाना है। अगर आप इसमें झूमर लगाना चाहें तो यहाँ पे झूमर भी लगा सकते हैं। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।